नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। आज अभी आप लोगों के लिए तुरंत ही ताजा ताजा गरम गरम सूचना निकली है यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से, जो आपको बहुत दिन से इंतजार था। और ये खबर है पीईटी के सिलेबस से लेके, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेके, और ये फाइनल हो गया है। फाइनल मतलब पूर्णता फाइनल हो गया। अब इसमें कोई भी संशय नहीं बचा है, कोई भी इफ एंड बट नहीं बचा है कि ये पेपर कैसे होगा, कब होगा, इसकी बात अलग है। और ये लेकिन बहुत जल्दी होगा। क्यों? उसका कारण ये है कि 50,000 वैकेंसियां अभी आयोग के सर पे है कराने के लिए। वो समूहगत जो आपका पूरा का पूरा ग्रुप सी की है, पूरी की पूरी वैकेंसी इस पे डिपेंडेंट है। और ये इतने दिनों से, इतने एक साल से जो पूरा मंथन चल रहा था, उसका निष्कर्ष लगभग तय हो गया है। पीईटी कंफर्म होना है और उसका सिलेबस और पैटर्न भी कंफर्म हो गया है। 100 क्वेश्चन होंगे आपके और 100 नंबर का होगा, 1/4 निगेटिव होगा। मैक्सिमम जो आपका उसका डिफिकल्टी लेवल है, वो डिफिकल्टी लेवल जो आपका होगा, वो आपके एनसीईआरटी के आधारित कक्षा 12 तक होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं पहले भी बताता रहता था कि जो आपका डिफिकल्टी लेवल होगा ग्रेजुएशन वाला नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत सारी मोटी मोटी बातें भी हमें यहां पे जानना है, समझना है। हमारी रणनीति भी क्या होनी चाहिए और क्या सही है इसमें, क्या गलत है, ये सारी चीजें तभी हम जान पाएंगे जब हम देखेंगे आखिर इस पत्रिका में दिया क्या है उसने। तो देखते हैं भैया, इसने ये सब पढ़ने की तो कोई मतलब नहीं है, फालतू की वो कहानी है, इनका क्या है। हम सीधा आते हैं कि जो 2 घंटा की अवधि के लिए 100 नंबर का 100 मार्क्स होंगे, मार्किंग जो होगी वो 100 की होगी टोटल। और ये 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर का पेपर होगा और सिंगल पेपर होगा। मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि 2 पेपर हो अलग अलग, द्विस्तरीय परीक्षा है। इसका मतलब प्रारंभिक परीक्षा ये है, ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसी को पीईटी बोला गया है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट बोला गया है, ठीक है ना। तो ये एक ही पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चन वो भी मिक्स होंगे। मिक्स इन द सेंस कि सबसे पहले आपके जीएस होंगे, उसके बाद आपके बीच में मैथ आएंगे, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका सेक्शन डिवाइड हो जैसा लोअर वगैरह में हुआ था, सेक्शन भी डिवाइड नहीं होगा। 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा एक सिरे से होंगे, ये भी आप समझ लो बात को। तो यहां पे 1/4 आपका क्या है, निगेटिव भी रहेगा। अब समझते हैं समस्या क्या है और अच्छी बात क्या है। कुछ तो समस्या भी होगी और कुछ अच्छी बात भी होगी। समस्या ये है कि जो अधीनस्थ के बच्चे होते हैं, जो समूह गा के बच्चे होते हैं, भैया ग्रुप सी के बच्चे होते हैं, अपना पसीना बहाते रहते हैं, मैथ गणित रीजनिंग में लगाते रहते हैं, हिंदी पढ़ते रहते हैं, और आयोग ने बहुत ही उल्टा खेल खेल दिया है यहां पे। अब जो डिपेंडेंसी हो गई है वो किसकी हो गई है, जीएस की हो गई है। सीधा सीधा भैया 50 क्वेश्चन किसके हैं, जीएस के हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन जो हैं वो कोर जीएस है, आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटी इकोनॉमिक्स। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके प्योर करंट हैं, और जो बचा कुचा था, जहां से सबसे ज्यादा समस्या होती है, जनरल अवेयरनेस स्टैटिक बता दिए कि पढ़ते मर जाओ, दुनिया भर आए क्या ये पता नहीं, बात समझ में आ गया। तो 10 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो ये 50 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके होंगे, जीएस के होंगे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो 20 क्वेश्चन किसका है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई का है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, और उसके बाद आपका टेबुलर, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपके सारे के कमेंट एक बार देख लूंगा, पहले आप इंफॉर्मेशन ले लो, फिर आपकी समस्या हमारी समस्या सब कुछ एक बार हम लोग शेयर करेंगे। पहले आप चीजें ये समझ लो, 20 क्वेश्चन डीआई के होंगे। इसके बाद जो है वो सीधा 15 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा, जो हमें सबसे ज्यादा राहत देता था उसका भी कम कर दिया है, और इसने इसकी जगह पे 5 क्वेश्चन किसका कर दिया है, अंग्रेजी का कर दिया है। हालांकि बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, दिक्कत तो किया है लेकिन पैसेज ही है तो बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सब कठिन होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए होगा, इसकी बात अभी हम कर लेंगे। बाकी जो बचा हुआ है 5 क्वेश्चन मैथ, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, और आपका ऐसे करके ये पूरा का पूरा पूरा किया गया है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन का पूरा डिवीजन है। 100 क्वेश्चन में आपका सबसे ज्यादा जीएस है, तो ये आपका सिलेबस दिया है। अब यहां पे हमें समझने वाली बात क्या है, यहां पे आप देख पा रहे हो कि विषय लिखा होगा, यहां पे लिखा हुआ है अंक, अंक दिया है 5 और इसने टॉपिक दिया है इंडियन हिस्ट्री। इतिहास को जनरली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है,
और ये आयोग इसका अधीनस्थ का नहीं है, ये अपने आप को अपर पीसीएस मानता है, अपने आप को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मानता है। पता नहीं किस रात इसे सपना आया था, गलतफहमी हो गई थी कि भैया हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ तो अधीनस्थ की तरह काम करो, अंडर में काम करो, अच्छा लगता है। आप हिस्ट्री का भी सिलेबस दो तरह डिवाइड करते हो, क्या करते हो, एक हिस्ट्री अलग लोगे और उसके बाद बोलोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलोगे, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल अलग बोलोगे। तो भैया स्वतंत्रता संग्राम अलग इतिहास मान लो, इसको अलग मान लो, आप अपर पीसीएस हो गए। इन्होंने क्या किया कि पांच क्वेश्चन इसका और पांच क्वेश्चन स्वतंत्रता संग्राम वाले टॉपिक से दे दिया, मतलब इतिहास के आपके कुल कितने होंगे, इतिहास के भैया आपके टोटल और टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी को समझ में आ रही है बात, 10 क्वेश्चन इतिहास से होंगे। अब ये जो पहला वाला हिस्ट्री का है, इसने टॉपिक डिपिक्ट कर दिया है, ये आपको दिख रहा होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और इसमें राजपूत काल। लेकिन इसने अच्छी बात ये कह दी कि भैया पूरा टॉपिक डिपिक्ट कर दिया, हम तुम्हें परेशान तो करेंगे लेकिन थोड़ा तुम्हें आराम भी दे देंगे। क्या मौर्य वंश, मतलब ये नहीं कि आप पूरा मौर्य ही उसका सब पढ़ डालो, उसमें आपको केवल किसको पढ़ना है, अशोक को पढ़ना है। मौर्य वंश से प्रश्न आएगा तो केवल अशोक से आएगा, इसने अपने सिलेबस में इसी ले दिया है। एक साल से जो मंथन किया है इसमें, इसने निष्कर्ष लगाया कि भैया लड़कों को परेशान तो किया जाए, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आयोग ने बोला, लेकिन उन्हें थोड़ा सा आराम भी दे दिया जाए। और आराम के लिए उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया। तो हमारे दिमाग की मैच्योरिटी होनी चाहिए, हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमें पूरा यहाँ पे गाथा नहीं पढ़ना है, हमें एंशियंट के लिए रमेश शर्मा नहीं पढ़ना है, हमें मॉडर्न के लिए वात्सल्य बिपिन चंद्रा और यहां पे आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपको टीम पूरा बताएगी। और इसके लिए कोर्स में बता दूं कि लॉन्च हो गया है, समझिए 91-29-69-70-80 और 94-5000-6000-7 पे तुरंत ही कॉल करके पता करना, शुरू कर दो। मंडे से इसकी क्लास तुरंत स्टार्ट भी कर दी जाएगी, न्यूनतम फीस पे 50% ऑफ पे जितने बच्चे होंगे सबको ऑफ दिया जाएगा। यार ये भी मत सोचो थोड़ी दिक्कत की है तो हम लोग किस लिए, तुम्हारे लिए, इसीलिए हम थोड़ी ना गए हैं, परेशान मत हो। उसके बाद क्या है दूसरा जो है वो है हमारा, मैंने बताया ना कि कौन सा, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला। अच्छा इसमें कुछ बच गए थे, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, मराठा हो गया, सल्तनत काल हो गया, ब्रिटिश का अभ्युदय हो गया और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहां पे ले लिया, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सब उसने पहले कोर हिस्ट्री में ले लिया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग टॉपिक लिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग टॉपिक लिया, इसमें स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेताजी की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो टोटल कहने का मतलब भाजपा की सरकार है, नेताजी के बारे में ज्यादा पूछेगी तो पूछेगी, सिंपल सी बात है, ज्यादा टॉपिक उसने डिपिक्ट भी कर दिया है। पांच क्वेश्चन इससे होंगे भैया, ठीक है ना, लेखपाल के लिए ये सभी लेखपाल लोकपाल सब इसमें आएंगे, भूल जाओ लेखपाल, भूल जाओ अलग चीजें, सब कुछ इसी में आएंगी, जितनी आपकी समूह गांव की भर्तियां हैं सब पीटी के अंतर्गत आएंगी। अगर लेखपाल बनना है भैया तो पहले पीटी क्वालिफाई करना, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, इसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, एकदम समझ के चलो, ठीक है ना। हालांकि फिर इसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपको बहुत दुनियादारी नहीं पढ़नी है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल लिखा हुआ है, विश्व में जाएगा तो केवल भौतिक जाएगा और भौतिक में कॉमन सी चीज आएगा, विश्व भूगोल तो सबको लिखना बनता है लेकिन भारत ही पूछेगा, नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन खनिज संसाधन, है ना, विशेषकर भारत में खनिज संसाधन भी विश्व से नहीं पूछेगा, वरना ये बहुत टफ हो जाएगा, फिर तो आपको आर ओ आर हो जाएगा समझ लो। भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, और उसके बाद टाइम जोन स्पेशलिस्ट ने टॉपिक डिपिक्ट किया है, और उसके बाद जनसंख्या के परिवर्तन और प्रवास के बारे में इसने पांच क्वेश्चन इससे ज्योग्राफी से किया है। इंडियन पॉलिटी में बता दूं भैया कि कोर इंडियन इकोनॉमी में कोर इकोनॉमी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछता है वनडे के एग्जाम में, आपसे पूछ क्या रहा है 1947 के बाद से, जो आपकी हरित क्रांति आई, जो आपके प्लानिंग कमीशन बने, जो आपके बैंकों का निर्माण हुआ, उन सबसे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना से पूछेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से पूछेगा, हरित क्रांति पूछेगा, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पूछेगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो जो आपके स्पेशल स्पेशल टॉपिक है केवल वहां से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, और पांच क्वेश्चन में पूछ का लेगा यार, जब इतना टॉपिक डिपेंड किया तो एक एक क्वेश्चन मान लो, एक एक से समझ लेना, ठीक है ना।
हाँ सबके लिए एक एग्जाम, ठीक है बहुत बढ़िया, इस चीज को समझो। फिर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था भी उसमें पूछा है, और वर्ष 2014 के पश्चात, 2014 के पश्चात क्या है भैया, मोदी जी तो तभी आए थे, तो प्रश्न सबसे ज्यादा कहां बनेगा अल्टीमेटली, यहां से बनेगा। थोड़ा दिमाग का मैच्योरिटी लगाओ तो पांच जो प्रश्न का क्वेश्चन होगा ये सब तो ये केवल बहकावा है, असली प्रश्न इसी में होगा। किसमें? कृषि सुधार, श्रम सुधार, ये जो आपका ढांचा का सुधार है इससे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत फैक्ट बात है। आज ये बात रिकॉर्ड करके लिख लो और इस टाइम पेपर पे लिखवा लो, जब पेपर आएगा आपके सामने तो ये पांचों प्रश्न इसी टॉपिक से मिलवा दूंगा, चाहे कुछ भी कर लेना। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखते हैं फिर, ये जो है आपका भारतीय, ये आर्थिक सुधार और जीएसटी, जीएसटी से तो जरूर पूछेगा मान के चलो। अब देखते हैं पॉलिटी वाला आया तो इसमें भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, तो मौलिक अधिकार और इसका संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संबंध न्यायिक। तो कहने का मतलब ये जितना इतना बड़ा बवाल काटा है सबका जीएस का काटा है, सामान्य विज्ञान को भी एकदम छोड़ दिया, और उसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, मतलब आपको साइंस की किताब छूना नहीं है। अब समझना, उसने बोल दिया कि एनसीईआरटी के आधारित 12th लेवल का पेपर होगा। यहां पे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे कि भैया तुरंत ही एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। मैं बता दूं भैया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे और कुछ नहीं होगा, सफलता उफलता पा नहीं पाओगे। वैसे ही जीएस ज्यादा है, पीसीएस वाले बच्चे 40-40 साल तक अधीनस्थ में भी मिलता है, उधर जिनका सिलेक्शन नहीं होता है सब खटपटियाए बैठे हुए हैं, आपका पैर आपका गला दबा के बैठ जाएंगे और आप एनसीईआरटी पढ़ते रह जाओगे। स्ट्रेटजी यहां पे भी काम आएगी, कंसाइज मैटर काम आएगा, सबसे बढ़िया जिसे पता हो कि पेपर यहीं से बनना है, और ये काम कौन करेगा, परीक्षा प्लस करेगी, आपके लिए साफ साफ बता रहा हूं, मानना हो मानो, ना मानना हो ना मानो, जब भुगतोगे बोले ना हो भाई कितने बार अब में कटी आ गया, ये सिंपल सी बात है। ये वाली जब बीत जाएगा आपके ऊपर तब समझ में आएगा, तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। परीक्षा प्लस ये सारे नोट्स आपके लिए तैयार कर रही है, और मुश्किल से 10 दिन में पूरा का पूरा एक एक चिट्टा काटा खोल के रख देगी, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका प्रारंभिक अंकगणित। अब समझना, समूह वाले बच्चे जो अधीनस्थ के बच्चे पढ़ते कहां हैं, मैथ, सर जी मैथ पढ़ा दीजिए, सर जी मैथ में दिक्कत है, पूछा क्या, 5 नंबर। अब शर्म के मारे डूब जाए, या तो मैं डूब जाऊं मैथ का टीचर हूं, या तो आप लोग डूब जाओ मैथ पढ़ते पढ़ते इतना परेशान हो गए। अरे भैया पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव से पूछ रहा है, जो जीएस वाला बच्चा होगा जिसकी जीएस अच्छी है, जो पीसीएस की तरह है, उसको पूर्ण संख्या और भिन्न तथा दशमलव के प्रश्न करने में दिक्कत होगी क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके घातांक एवं इसके घात के प्रश्न करने में दिक्कत होगी क्या, उसे प्रतिशतता के क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, वर्ग और वर्गमूल निकालना उसे नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा यार, मैथ पूछना था, थोड़ा अच्छा पूछ लेते, कहीं तो हमें कंपटीशन का सहारा मिलता, लेकिन सब सारी की सारी उनकी वाली चलनी थी। खैर चलो, जो है वो सामने है, इसकी पूरी रणनीति मैं आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जीएस है ना तो मैं हूं, तो परेशान क्या होना है, आपका पीटी मेरे हाथ में और मैं पक्का करवा के रखूंगा, इस बात की गारंटी है, यहां पर समझ लो। उसके बाद आपका आ रहे, तो मतलब कहने का मतलब मैथ में एडवांस नहीं है, एडवांस भूल जाओ, मैं इसलिए पहले बताता था आपके वनडे एग्जाम के लिए एडवांस नहीं है, एसएससी एग्जाम के लिए है, परेशान हो पैर पे कुल्हाड़ी मारी जाएगी, एडवांस नहीं है। अर्थमेटिक में भी हायर अर्थमेटिक्स नहीं है, केवल बेसिक अर्थमेटिक है, बेसिक अर्थमेटिक में भी रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है, अनुपात समानुपात नहीं है, सिंपल सा आपका नंबर सिस्टम है, ऊपर ऊपर नंबर सिस्टम है, ऊपर ऊपर आपका बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं फिर सामान्य हिंदी, यहां पे भी थोड़ा पैर जमे थे, बच्ची कुची यहां पे ले लिए, संधि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, ये मुहावरे, लोकतियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, मतलब हिंदी में 5 क्वेश्चन में दुनियादारी सारी पाट दिए, पढ़ोगे प्रश्न है केवल 5। उसके बाद फिर सामान्य अंग्रेजी, अच्छी बात यह है अंग्रेजी डाला है, ये गलत बात है, अच्छी बात यह है कि केवल क्या है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश लिख दिया है तो वही देगा, और 5 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से होंगे तो अंग्रेजी व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, और 1-2 क्वेश्चन अंग्रेजी व्याकरण आ भी जाता है, तो थोड़ा समझदार बनो, बुद्धिमान बनो, मूर्ख मत बनो। 1 क्वेश्चन के लिए पूरी किताब पढ़ डालोगे, एसपी वक्ती चार्ट डालोगे, अरिहंत चार्ट डालोगे, दुनिया की भर की किताबें पढ़ डालोगे, आएगा 1 प्रश्न फिर वहां पे अम्मा अम्मा चिल्लाओगे, तो ये वाला काम नहीं करना है। तर्क शक्ति और लॉजिकल रीजनिंग में भी एक समय था कि मैक्सिमम बच्चे यूपी ट्रिपल एससी वाले ये मान के बैठ लिए थे कि कुछ आए ना आए अधीनस्थ के पेपर में रीजनिंग जरूर आएगा, तो हमें तैयार क्या करना है, रीजनिंग करना है, हमारा वो भी छीन लिया, जो बची कुची हमारी नाव थी वो भी डुबाने में लगे हुए हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में वृहद एवं लघु
कर्म एवं रैंकिंग है ना, क्रम सॉरी कर्म नहीं क्रम एवं रैंकिंग, रिलेशन आपका संबंध समूह से भिन्न यानी कि ऑड वन आउट हो गया, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, कारण और प्रभाव हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया और तर्क कथन विश्लेषण एवं निर्णय हो गया। तो ये आपके इतने टॉपिक क्या है, इतने टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं। उसके बाद भैया सबसे बड़ा वेटेज अच्छी बात है 10 करंट, ये हमेशा डायनामिक है, हमेशा चेंज होता है। दुनिया में कितना बड़ा भी योद्धा आ जाए, जहां पे सब खड़े हैं वहां पे हम खड़े हैं, बदलेगा सबके लिए बदलेगा, आएगा सबके लिए आएगा। तो ये 10 प्रश्न हमारा है, आपका है समझना। उसके बाद सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, अब ये है इसमें आप बाजी मारोगे, ये आपका है क्योंकि आप आज तक जीएस के नाम पे पढ़े क्या, जीए पढ़े, ये आपका पार्ट है मैं बता रहा हूं। और यहां से 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको सही करना है जहां पे बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो भारत में पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, उसके बाद पुरस्कार एवं विजेता, और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो अल्टीमेटली हाँ, अल्टीमेटली क्या हो गया कि ये आपका पोषण है, आपको कुछ आता ना जाता लेकिन ये जनरल अवेयरनेस जरूर आता होगा, इसके लिए झूठ मत बोलना, सही बात तो यही है। और इसमें हमें हाथ हथियाना है, 10 यहां पे 10 यहां पे 20 हमारे मिले, अभी बताते हैं, और 5-5 तो मिला ही है, वो तो फ्री का है। अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन, ये भी समझ लो कि 10 का है, गद्यांश 2 गद्यांश, गद्यांश और पद्यांश होंगे, नहीं दोनों गद्यांश ही हैं, ठीक है ना, और हो सकता है पद्यांश भी दे दे लेकिन ऐसा दिया नहीं है, गद्यांश ही लिखा हुआ है। तो 5-5 क्वेश्चन आपके 2 होंगे और उसमें से एक एक नंबर का सब होगा, ये बात समझ लेना आप। उसके बाद क्या है, फिर है ग्राफ और तालिका, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म और ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है। उसके बाद जरूरी पॉइंट ये भैया, क्रमांक 1 से 9 मतलब कि पूरा जीएस आपका मैथ और हिंदी, इतने के लिए बोला है क्या कि जो इसका डिफिकल्टी लेवल होगा वो राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद इन शॉर्ट एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर स्तर का होगा। कहने का मतलब 12th लेवल का होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, एनसीईआरटी का नाम पढ़ के आज से एनसीईआरटी 12th लेवल तक पढ़ना शुरू कर देंगे, बोलेंगे 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होने वाला 6 से 12 तक एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ लोगे तब तो हो जाएगा, लेकिन इस बच्चों के समूह गा के वर्ग के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है भैया। आप एनसीईआरटी 6 से 12 तक इतने कम समय में नहीं पढ़ पाओगे, भूल घूम जाओगे उसमें, फिर भटकाव की स्थिति आ जाएगी, भटक जाओगे, पढ़ रहे थे वो है ना, चले थे 24 बनने, बन गए 26, वो वाला हाल होगा, यकीन मानो, ठीक है ना। तो अभी आपके प्रश्न में लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरूरी सूचना बता दूं कि आपका जो पीईटी के लिए है एग्जैक्टली इसी एग्जाम और पैटर्न और सिलेबस पे, इसी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे टीम द्वारा जो आपका कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है, समझो अभी आधे घंटे में आपका ऐप पे पब्लिश हो जाएगा ये जो कोर्स है। इसमें आपको पूरा वीडियो क्लासेस दिया जाएगा स्पेशली फोकस्ड ऑन जीएस, जीए और करंट अफेयर्स, इस पे स्पेशली फोकस क्लास होगा। इसके बाद आपका हिंदी, जैसे जैसे आपका टॉपिक है उसके बाद आपका मैथ्स, रीजनिंग और उसके बाद आपका इंग्लिश, मतलब कि संपूर्ण जो होगा वो आपका कोर्स है। इसमें आपको पूरी की पूरी वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस दी जाएंगी बहुत ही व्यापक रूप में। इसके अलावा आपको पूरा जो कंटेंट होगा वो केवल और केवल पीईटी पे फोकस्ड, मतलब जितनी टॉपिक उसने डिपिक्ट कर दी है उसके बारे में उसका बाल में से खाल निकाल के आपके सामने रख देगी कि एक भी प्रश्न कहीं जा ना सके, इतना बात समझ लेना। तो ये कंटेंट जो क्वालिटी होगी परीक्षा प्लस के सभी बच्चे जानते हैं, जितने लोग जुड़े हैं दुनिया जानती है, इतने कम समय में इतनी अच्छी क्वालिटी ना दुनिया में कोई दे पाया है, और इस बात की गारंटी है कि दुनिया एक तरफ हो जाएगी, इतनी अच्छी क्वालिटी इतने कम समय में कोई दे भी नहीं पाएगा, नाम बदल दूंगा अपना जिस दिन कह दोगे अगर कोई दे दिया तो, बात समझ में आ रही है। तो ये सारे हाँ ये ऑफिशियल सिलेबस है, एग्जैक्टली ऑफिशियल है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जल्द सोमवार से उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी, वीडियो क्लासेस कंटेंट, और इसके साथ आपको डेली प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जाएगा जो कोई टीम नहीं कर सकती।
आपसे मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि एग्जाम 6 महीने बाद होगा, 6 × 18 180 दिन होगा, तो आपको 180 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अगर आपको 100-100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए गए तो 180 × 100 कर लो, मतलब कि 18,000 क्वेश्चन आपको क्या किया जाएगा, उसका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 18,000 प्रश्न में से ही अगर उसमें ना आया तो बोलना सब कुछ वहीं पर हो जाएगा। ठीक है ठीक है वीरेन जी, अरे मैं तो बोल जा रहा हूं, बस उसको मत लेना। तो वीडियो, लाइव वीडियो मिलेगी, फिर से देख लो, लाइव वीडियो मिलेगी। इसके अलावा आपको कंटेंट नोट्स यानी कि बुकलेट मिलेंगे, बहुत ही कंटेंट जो बुकलेट होंगे पीडीएफ में, ये मिलेंगे। और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज ऑब्लिक प्रैक्टिस से ये आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा समय समय पे एकदम आपसे, समझ लो कि आपके घर आके बैठ गए हैं, ऐसे तैयारी होनी करवानी है, एकदम जुड़ाव, एकदम दिल का जो टाका है वो भिड़ाना है आपसे कि भैया एक भी बच्चा यहाँ पे छूटा नहीं चाहिए, जो भी बच्चा जुड़ेगा उसका सिलेक्शन करवा देना है। ऐप परीक्षा प्लस ही आएगा सर जी, हाँ ठीक है ना। तो एग्जाम कब होगा? एग्जाम मान के चलो कि अप्रैल लास्ट मंथ, कन्फर्म अप्रैल लास्ट मंथ में, कोई उसे टाल नहीं सकता है, एकदम पूरी सरकार पूरे मूड में है क्योंकि उसको अगला साल देखना है। आप लोग समझदार हो, अब पूछो मेरी बातें कदम जल्दी से पूछो, फीस कितनी है? फीस मैं बता दूं, देखो फीस मैं बता दूं कि पहले 5 दिन के लिए बंपर 50% ऑफ आपके लिए, सभी के लिए 50% ऑफ दिया जाएगा। और जो ये फीस होगी न्यूनतम होगी, आज तक परीक्षा प्लस आपसे 500 रुपए ज्यादा नहीं वसूली है भैया, और 500 रुपए 501 नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं, तो ये समझ लो इससे न्यूनतम फीस और इससे हाईएस्ट क्वालिटी आज से कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो बस दिमाग में रखो न्यूनतम फीस, मैक्सिमम क्वालिटी, जबरदस्त तैयारी, दुनिया पहाड़ कोई ढकेल दे लेकिन हम सफल होके दिखाएंगे कुछ भी हो जाए। पासिंग मार्क क्या होगा भैया? पासिंग मार्क अभी जब नोटिफिकेशन आएगा इसका तब क्लियर हो जाएगा, तब वहां पे डिसाइड कर दिया जाएगा पासिंग मार्क एग्जैक्टली क्या है। लेकिन आपको पासिंग मार्क से मतलब नहीं रखना है, आपको यहां पे क्या करना है, हाईएस्ट नंबर लेके आना है, क्योंकि ये योगी सरकार है, कुछ भी कर सकती है, कभी भी बोल सकती है कि भैया हमारे पास काबिल बच्चे नहीं थे, तो हमें मार्क्स सॉरी ज्यादा से ज्यादा लेके आना है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात सभी को समझ में आ गया ऑनलाइन एग्जैक्टली। आप सभी लोग क्या करना है जुड़ने के लिए, 94,5006,007 पे और 91,29,69,70,80 पे और 81,155,87,955 तीनों नंबर में से किसी एक पे ज्वाइन पीईटी लिख के भेज देना है, व्हाट्सएप कर देना है, मैसेज कर देना है, मिस्ड कॉल ना करना बस, है ना, मिस्ड कॉल में पता नहीं लगता है, मैसेज करना भैया, अपना नाम जरूर बता देना। तो ये आप जैसे करोगे आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। इसके अलावा आप आधे घंटे बाद परीक्षा प्लस की ऐप, परीक्षा प्लस ऐप पे जाना, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, या आप live.parikshaplus.org यहां पे वेबसाइट पे आप जाके सीधा चीजें पता कर सकते हो। अब बताओ 500 रुपीज फीस है क्या? अरे मैंने रुद्र जी बता दिया 500 ज्यादा आज तक आपसे वसूला नहीं, तो इससे ज्यादा वसूलूंगा नहीं, कहने का मतलब न्यूनतम फीस और मैक्सिमम क्वालिटी, इस बात को समझना। आलोक शुक्ला, विवेक राजपूत जी, हाँ स्कोर करना होगा एग्जैक्टली, पीटी में करना होगा, बहुत बढ़िया राहुल जी। अभी बताओ फी, बताए फी बता तो दिए संतराम जी, इतना समझो यार 500 से ज्यादा नहीं पड़ेगा, इतना समझो बस, हाँ चलो बहुत बढ़िया। और 50% ऑफ बता रहा हूं, अब समझ लेना। नहीं यार पूरे कोर्स का, अगर 6 महीने बाद भी कोर्स होगा ना तो 6 महीने तक यार तुम लोग फालतू बात करते हो, नंबर इस पे कॉल करो, वही बार बार बुलवा रहे हो तुम लोग, है ना, इससे सस्ता कोई दे। परीक्षा प्लस मतलब नो फीस, ऐसा समझो, परीक्षा प्लस मतलब नो फीस, परीक्षा प्लस मतलब हाईएस्ट क्वालिटी, परीक्षा प्लस मतलब सिलेक्शन, परीक्षा प्लस मतलब अपने बपौती, ऐसा समझो बस, और ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो अभी बताओ पीटी के फॉर्म कब से, बहुत जल्दी आ जाएंगे पीटी के फॉर्म, तो उन्हें तो पैसे की जरूरत है, वो तो तुरंत भरवा लेंगे आपसे पूरा, कम से कम नहीं तो 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, देखना आप लोग 20 लाख लोग अगर भैया 100-100 रुपया देंगे तो आप हिसाब किताब लगाना जानते हो कितना आ जाएगा, पूरा चुनाव बहुत अच्छे से निकल जाएगा। हाँ
मेंस का भी थोड़ा ओवरव्यू दे दें। मेंस के लिए जो भी आयोग होगा, मैं बता रहा हूं, जो भी आपका आयोग क्या जो भी डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंटल पेपर होंगे, ऐसा समझिए। अलग अलग से पेपर होगा, पेपर उसका स्तर बहुत अच्छा होगा, उसके लिए हमें पढ़ना है। और इतनी बात समझ लेना कि जीएस वहां पे भी पूछा जाएगा, एक और एक मात्र सबसे ज्यादा पूछा जाएगा जीएस, ठीक है ना विवेक राजपूत जी। आलोक शुक्ला मैंने बता दिया मेरा नाम है, चलो। हाँ भैया दीप चंद्र जी सही बता रहे, परीक्षा प्लस मतलब आपकी बपौती, इसका समझो। क्लियर हो गया, चला जाए फिर, इतने के साथ समाप्त किया जाए। कोई और उबलता हुआ प्रश्न हो तो बता दें। हाँ चलो फिर ठीक है, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा है। बाकी कोर्स वगैरह की वीडियो में जल्दी लेके आ जाऊंगा, इसकी रणनीति भी जल्दी साझा कर दूंगा। तो तुरंत चेक करना शुरू कर दो, तुरंत नंबर घुमाना, ये 67 नहीं 69 है, 69 है 69 70 80, पता लगे किसी और को कॉल लगा दोगे, गाली वाली देगा आपको, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। नीचे नंबर चल रहा है उस पर भी कॉल कर लेना, उससे मिला के, ठीक है ना। तो चलिए इसका मैं पूरा डिटेल आपके लिए, कौन कौन सा डिटेल, इसका डिटेल आपको पूरा, कैसे पैटर्न, कैसे आपकी तैयारी करवाई जाएगी, कोर्स डिटेल लेके आएंगे, पूरी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे और पूरे कंटेंट में क्या क्या है, ये वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध करवा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहो अब से पढ़ाई चालू कर दो, एकदम कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं चलेगा, पढ़ाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।